व्यूअर्स, मैं ले रहा झूले अपने जंबो पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रहमत करम फजल शुक्र के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने दुआओं में सबको याद रखें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। मैं और मामू, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है और नाश्ता करके फारिग हो चुके हैं। अभी मैं और मामू जाने लगे हैं चारा लेने के लिए। तो मामू रेडी है? चार है फिट है तो और सारे खरीद नाश्ता माश्ता कर लिया। तो अभी हम अपनी लारी को रेडी करेंगे, इसको जोड़ेंगे गधे के साथ और फिर जो निकलते हैं चारा लेने के लिए। मामू ठीक, जोड़ लक्ष्य तो जल्दी चलिए, ठीक है? और मामू जो ना अपनी लारी को बांध रहे हैं इधर ही इस घास के साथ बांधेंगे और फिर जो ना इंशाल्लाह जाके चारा काटते हैं। तो फिर इंशाल्लाह जो ना वापस जाएंगे। मामा इधर थल्ले ना डिग पे किधर? चल चोकला। तो माशाल्लाह जी बांध गए हमने अब गाड़ी अपने लारी को। तो अभी फिर माशाल्लाह जी लारी को बांध दिया यहाँ पे नीचे और घास के ऊपर, घास भी खाएगा साथ खड़ा रहेगा। चादरें मामू ने उठा ली हैं और दांतरियाँ भी उठा ली हैं। तो अभी जो ना ये हमारे पीछे चारा है, इस चारे को जाकर उतारते हैं और फिर जो इंशाल्लाह लगा पता नहीं है, लगा कोई नहीं। लागे अल्लाह करे दासी राती भी दोबारा गपशप लगा रहे हैं। अल्लाह देना लागे जाना किथे है तगड़े जानी किथे है। चल मामा फिर माशाल्लाह जी गंदम का चक्कर लगा लिया मामू ने। अभी मामू जो ना अपने जो ना ये सब्जी है इसका भी मुआयना कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये जो लहसुन है माशाल्लाह, तो लहसुन के अंदर जो ना चल के देख रहे हैं यार इसको भी कोई बीज है, कोई खास शायद कोई पानी शानी की ज़रूरत है यानी। तो ये मामू की रोज़ाना की रूटीन होती है, जब भी माशाल्लाह चारा लेने आते हैं सुबह तो पहले अपने गंदम का विज़िट करते हैं, गंदम का अच्छी तरह पूरी चारों तरफ चक्कर लगा के देख के फिर आखिर में अपनी सब्ज़ी को भी देखते हैं। तो ये मामू की रोज़ाना की रूटीन है और अच्छी बात है जी, जो लोग अपनी मेहनत करते हैं, अपनी चीज़ का ख्याल रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं तो अल्लाह पाक उनकी मेहनत का सिला भी देते हैं। तो ये मामू की मुझे ये रूटीन जो ना ये आदत बहुत अच्छी लगती है, जो अपनी अपनी ज़मीन के साथ अपने जो जहाँ से इंसान रिज्क कमाता है, जो खाता है उसके साथ जो प्यार करता है तो अल्लाह पाक जो ना उसके रिज्क में बरकत भी डालते हैं, अल्लाह पाक भी खुश होते हैं। तो ये मुझे मामू की जो ना रूटीन बहुत अच्छी लगती है कि रोज़ाना अपने गंदम का मुआयना करना, अपने खेत में चक्कर लगाना, देखना ठीक है, और फिर सब्ज़ी की माशाल्लाह देख लें, ये सब्ज़ी की भी देख रहे हैं रोज़ाना के जो ना ब्रीक बीनी के साथ और उसका मुआयना करते हैं यार कोई कीड़ा ना लगा हो, कहीं कोई बीमारी ना लगी हो, तो उसको जो देखते हैं माशाल्लाह। देखें लहसुन कितना बड़ा बड़ा हो चुका है और अभी ये प्याज है, धनिया शनिया माशाल्लाह जो लगा हुआ है और पालक माशाल्लाह काफ़ी सब्ज़ी लगी हुई है। तो इनकी देखभाल की जाएगी तो ये अच्छी परवरिश जो ना करती है। तो ये मामू की रूटीन है। तो अभी जो ना हम चारा काटेंगे तो मामू बैठ गए हैं अब। मामू और ठीक है? ठीक। पानी शानी तो कौन नहीं लोड़? नहीं, चीज़ें पूरी हैं सारियाँ, बस उन गोडी करनी है। गोडी करनी है
अच्छे मामू देख लें व्यूअर्स, मामू कह रहे हैं आप जो ना इस सब्जी को गोडी करने की ज़रूरत है दातरी के साथ या उसके एक और चीज़ होती है उसके साथ जो ना इसकी खुदाई गोडी कर, पंजाबी में गोडी कहते हैं, इसकी गोडी की जाती है सब्ज़ी की, तो वो करनी है, तो वो इंशाल्लाह जब करेंगे तो फिर आपको बताएँगे इंशाल्लाह। तो हॉन मामू फिर आप पट्ठे वाड़ लिए, सही है। तो अब व्यूअर्स अब हम जो ना चारा काटेंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स जी माशाल्लाह हमारी एक पंड चारे की कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी चादर मामू लेके आ रहे हैं और अभी बिछाने लगे हैं, और दूसरी पंड के जो ना माशाल्लाह चारा वो भी हमने काट लिया, ये देख सकते हैं जी सारा माशाल्लाह। मामू अभी जो ना चादर पे उसको डालने लगे हैं चारे को उठा उठा के, तो मैं काट रहा हूँ और मामू जो ना उठा रहे हैं, दोनों मिल के काम कर रहे हैं जी। मामा जी आवा नाल आ जा तो वीडियो कैसे बनानी फिर अपनी है? वीडियो कौन बनाएगा? तू वीडियो बना। नहीं ना तू रख, मैं वीडियो बनाना। ठीक है। मामू कहते हैं यार आप आ जाओ मेरे साथ और मोबाइल को रख दो। आ जा मैं चल। मामू कहते हैं आ जाओ यार मेरे अकेले नहीं ठहर जाते। चलो जी मामू के साथ चारा बन जाते हैं, चल मैं आया। बस कर आ जा। ठीक है। लारी को खोल लिया जी, अभी इसको उधर चारा खिलाते हैं। चलो ये तुम्हारी जगह, ये तुम्हारा चारा पड़ा हुआ, खा लो खा लो। मामू ने चारा डाल दिया तो अभी ये खाएगा, ये देखे जी माश। तो ये अभी चारा खाता है, मैं और मामू जो ना तब तक अपने जो ना चारे को इस पे लोड करते हैं। फिर माशाल्लाह जी चारा वगैरह लोड कर लिया है, मामू हमने भी अपनी रेडी पे लोड कर लिया और अमर भाई ने भी साथ लोड कर लिया है। अमर भाई जो है ना निकल रहे हैं चारा लेके, और हमारी जो है ना लारी थोड़ी सी खुल गई थी तो मामू इसको जो ना टाइट कर रहे हैं। हो गई है तो ये इसने रस्सियाँ खुल गई थी तो रेडी ऊपर हो गई थी, गद्दा ज़्यादा हो गया था तो इसको अभी दोबारा जोड़े मामू। चारा ऊपर हमने लोड कर लिया सारा, तो अब जो मैं बैठ जाता हूँ इसके ऊपर। चलो मामा चलो भाई, डंडा घुमा ली ना, डंडा इन डंडे की लोड है हूँ, डंडा घुमा चुका। अब हम निकल रहे हैं, दातियाँ रख लिया। हाँ रख लिया। तो व्यूअर्स अभी हम आगे कमाद लेने के लिए, मामू जो ना कमाद काट रहे हैं मेरे पीछे वो देख सकते हैं। तो एक पंड हम कमाद की बनाएंगे, और मैंने जो ना गन्ना पकड़ लिया हाथ में, तो मैंने कहा मैं गन्ना चूप लूँ, भूख बहुत ज़्यादा लगी है और मेरे पास है गन्ना माशाल्लाह मीठा और ज़बरदस्त किस्म का, मज़े का। व्यूअर मामू जो कमाद काट रहे हैं मैं तब तक गन्ना चूप लूँ। तो अभी माशाल्लाह जी कमाल लोड कर दिया, अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं।
जी अल्हम्दुलिल्लाह चारा लेके हम पहुंच चुके हैं अपने घर, और ये देख सकते हैं माशाल्लाह घर आ गया है, और मैं रेड़ी के ऊपर बैठा हुआ हूँ चारे के ऊपर, मामू रेड़ी चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो? तो और माशाल्लाह जी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई है, गर्मी की आमद शुरू हो चुकी है, और ऊपर मैंने कपड़ा लिया हुआ है सर के ऊपर, धूप तेज़ है, मामू को भी पसीने आए हुए हैं। मामा गर्मी है बहुत गर्मी है। हाँ मामू कह रहे गर्मी बहुत है। तुम्हारा जो है खोता भी बेचारा अभी आस्ता आस्ता चल रहा है, आस्ता आस्ता चल रहा है, उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, और ऊपर माशाल्लाह मैं भी ऊपर बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैं खुद चारा काट के थक गया था तो मुझसे चला नहीं जा रहा था, मैं फिर ऊपर बैठ गया हूँ, देख सकते हैं तूड़ी के ऊपर बैठा हुआ हूँ, और मामू जो है चला रहे हैं। तो आप माशाल्लाह जी पहुँच चुके हैं घर, चारे को उतारेंगे इंशाल्लाह और फिर इनको उतरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी रेस्ट वगैरह कर ली है, चाय शाय पी ली है, अभी जो ना हमारा चारा काटने का टाइम हो गया है। मामू जो ना वो मशीन को उसके साथ तेज़ी के साथ ब्लेड को तेज़ कर रहे हैं, चारा काटने से पहले इनको तेज़ किया जाता है, तो आप देख रहे हैं मामू जो ना वो तेज़ कर रहे हैं, तो अभी जो ना इसको चलाएँगे और फिर जो ना चारा काटेंगे। चलागा मामा बटन? तो तेज़ हो गए हैं, अब जो ना चारा काटते हैं, और उसके बाद तेल भी डाला जाता है, ये देख सकते हैं व्यूअर्स अभी मामू तेल डाल रहे हैं। तो चारा काटने से पहले ये दो काम ज़रूर और रोज़ाना किए जाते हैं, क्योंकि ये ब्लेड जो है ना ऊपर जब पट्टे चारा गीले होते हैं ना तो पानी लगा रहता है तो थोड़ा थोड़ा सा जंग लग जाता है, तो फिर इनको जो ना उसके साथ इस गर्म तेज़ किया जाता है और फिर ऑयल डाला जाता है उसके अंदर, और अब जो ना हम मशीन को चालू करने लगे हैं। तो मैं यहाँ से बटन छोड़ूंगा, छोड़ दूँ मामा, और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आग किन्ने लाई, पता नहीं किन्ने लाई आग। तो माशाल्लाह जी व्यूअर चारा वगैरह कुतर के अपने भैंसों को डाल दिया है, और अब वो खा रही हैं, तो अभी जो ना चवाई में टाइम है, तो अभी मामू मुझे लेके जा रहे हैं कहीं घुमाने के लिए। मामू कितने लग चला है? इधर टुरन फिर उत की है उत्थे बेरियां दा बाग है, बेरियां दे बाग बेर खवान वास्ते। हाँ। तो व्यूअर्स मामू मुझे लेके जा रहे हैं बेर खिलाने के लिए, और ये हमारे गांव में मामू के गांव में ना बहुत बड़ी बेरियां हैं बेर की, तो चलते हैं और बेर खाते हैं और आपको भी बताते हैं कि माशाल्लाह बेर कैसे होते हैं। चल मामा हम पहुंच चुके हैं बेरी में, आप देख सकते हैं ये पीछे बहुत बड़ी बेरी है और ऊपर बेर लगे हुए हैं, बड़े मोटे मोटे ज़बरदस्त किस्म के बेर, और ये इसको साऊ बेर बोलते हैं। तो मामू चलेंगे आगे, तो चलते हैं जाके बेर खाते हैं और आपको बताते हैं कैसे बेर हैं। तो ये देखिए जी व्यूअर्स माशाल्लाह बेर ही बेर, ज़बरदस्त किस्म के बेर, मोटे मोटे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये है साऊ बेर। ये देखिए व्यूअर बेरी बड़ी पड़ी है साऊ बेर, चौके पीछे अच्छा मजेदार जबरदस्त बेर, वेख ला बेर किन्ने टाणियां ना बेर लगे ने, जो बेर वेख हैं। आ जा स्पीक इधर ए इना बूटे वाले, माशाल्लाह ये देखे जी मामू ने भी हाथ में उठाए हैं, बड़े मज़े के, बड़े ज़बरदस्त। ये माशाल्लाह जी ये देखे लीमू, ये है लीमू का बूटा, नींबू का, नींबू 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 नींबू, ये देखे जी येलो येलो बड़े मज़ेदार, और ये जो ना अपने गांव के नींबू हैं, और इनका बनाएंगे शरबत,
और सलाद के ऊपर डाल के काट के खाएंगे मामा। हाला जय जी पाला। तो व्यूअर्स मैं अभी अपनी साइकिल रानी पे झूले ले रहा हूँ अपने गांव में। ये देखे जी मेरे पास आज शहजादी आ गया और बड़े सालों बाद व्यूअर्स बहुत सालों बाद जो ना साइकिल चला रहा हूँ आज ज़िंदगी में। बहुत पहले स्कूल लाइफ में साइकिल चलाई थी और उसके बाद आज जो ना साइकिल चलाने का मौका मिला है और दे सकते हैं जी आज मैं साइकिल पे एंजॉय कर रहा हूँ। और आया हुआ था खेतों में तो मामू के साथ बेर शेर खाए हैं और अभी साइकिल पे झूला ले रहा हूँ। मामू ये जा रहे हैं मेरे पीछे पीछे और मैं जा रहा हूँ साइकिल पे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है जी और बड़ा मज़ा आ रहा है। तो पुरानी यादें बचपन की आज ताज़ा हो गई हैं। जिस जिसको साइकिल चलाना पसंद है अच्छा लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स माशाल्लाह जी बेर शेर खा के आ गए हैं। अब हमारा जो ना खाने का टाइम हो चुका है शाम का और मामू बैठ गए हैं खाना खाने। मुझे भी भूख बहुत ज़्यादा लगी है तो अब हम खाना शाना खाएंगे। मामू रोटी के ऊपर सालन डाल रहे हैं। ये देखे जी आज हमारे सालन में क्या बना है। मामा की पक्या पे आज दसी ज़रा। आज पक्या मटर और गाजरा। आज बना है आलू मटर और गाजरें। आज हमारा शाम का खाना यही है। व्यूअर्स हम दोपहर को खाना कम खाते हैं सुबह खाते हैं और रात का खाना जो ना वो इस टाइम अंधेरा होने से पहले गांव में खाना जो ना खा लेते हैं दोपहर को नहीं खाते इसलिए इस टाइम हम जो ना जल्दी खाना खाते हैं। तो अब हम जो ना खाना खाएँगे तो मामू जान मुझे खाना खिलाने लगे हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मजा तो वीडियो ऑन कर दी कर दे वीडियो तो ऑन कर ले फिर खाने अल्लाह फिर तो कर लिए कर कर तो आखना आज मेरे हमारे चैनल में सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब दा व्यूअर्स मामू से बुलाने जा रहा तो आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तो जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें। तो अल्लाह हाफिज़। अमा अंगूठा ला दे।